नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो अनुभव लेने जा रहे हैं, ये एक व्यक्ति ने भेजा है जो कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश शहर के रहने वाले हैं। उन्होंने इस अनुभव को यह बताया है कि एक ऐसा जिला कारागार जहां पर एक जेलर और उससे संबंधित आत्मा का वास आज भी कभी कभी देखने को मिलता है और इसका उन्होंने प्रमाण भी दिया है। तो चलिए जानते हैं इस अनुभव को और समझते हैं इस कहानी के विषय में। नमस्ते गुरुजी, मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ। आप उसमें विभिन्न प्रकार के लोगों के अनुभव बताते रहते हैं। मेरा भी मन हुआ कि मैं अपने एक विशेष जिले के अनुभव को आपको लिख कर भेजूं। कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, तो एक छोटा सा प्रमाण भी आपको आखिरी में उपलब्ध करवाऊंगा। पर गुरुजी, उससे पहले मैं इस जगह की कहानी के विषय में बात करता हूं। जो हमारे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक कारागार है, जिसे हम जिला कारागार के नाम से जानते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के कैदियों को रखा जाता है। सन 1944 में इसको बनाया गया था, कहते हैं। और मैंने अपने दादा परदादा से यह बात सुनी है कि गुरुजी, इस जगह एक बहुत ही कुख्यात और बुरे किस्म के जेलर का वास था। वह इतना ज़्यादा नालायक था कि वह अपनी इच्छा से बहुत ही बुरी और कड़ी सज़ा अपने जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते थे उनको दिया करता था, और उसने चारों तरफ कोहराम मचा रखा था। वह इतना बुरा था कि अपने पैर के जूतों को भी उन कारागार में रहने वालों से, उनकी जीभ से साफ करवाता था, ताकि वह चाट चाट कर उसकी उस जूते को साफ करें जो कि चमड़े का बना होता था। इतना ही नहीं, वह इतना ज़्यादा क्रूर था कि चाबुकों से इतना ज़्यादा उनको मारता था कि उनकी खाल तक बाहर निकल जाती थी। वह इतना बुरा था कि गुरुजी, लोग कुछ यह भी बताते हैं कि वह कई सारे पुरुषों के साथ शारीरिक और अमानवीय संबंध भी बनाता था, आजकल जिसे हम गे की श्रेणी में रख सकते हैं। वह इतना बुरा था कि उनका बलात्कार करवाता था, उनके साथ शारीरिक यातनाएं विभिन्न प्रकार की करता था। और कहते हैं जब वह मरा, तब से उसकी आत्मा इस जेल में आती जाती रहती है। हालांकि लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि इस पीलीभीत की जेल में आखिर उसकी आत्मा कैसे आ सकती है। पर आत्माओं का क्या है गुरुजी, समय उनके लिए काम नहीं करता। जब भी कोई बुरा समय होता है या भूत प्रेतों का टाइम हो जाए, तो वह जरूर इस दुनिया में आ ही जाते हैं और यह सबको दिखाई भी पड़ते हैं। ऐसा अद्भुत नज़ारा कभी कभी प्रकट भी हो जाता है। ऐसा ही कुछ लगभग आज से एक वर्ष पहले हुआ था। गुरुजी, यह बात इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई कि उस समय के अखबारों में यह सुर्खी बन गई थी। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, क्या कारागार के अंदर आत्मा दिखाई पड़ सकती है? और अगर आत्मा दिख भी जाए, तो क्या इससे पूरे
कारागार कैंपस में हड़कंप मच सकता है। आज के इस भौतिकवादी युग में जब लोग भूत प्रेत पिशाच ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करते हैं, तब ऐसा कुछ दिखना अद्भुत है। गुरुजी, मैं वही न्यूज़ आपको बताता हूँ जो कि उस समय के लगभग सभी अखबारों में यह दिखाई पड़ी थी, और मैं यह जानता हूँ परिवार वालों की वजह से कि वह उसी जेलर की आत्मा रही होगी जो कि भूत प्रेत के रूप में वहाँ पर दिखाई पड़ी थी। गुरुजी, यह न्यूज़ आप इंटरनेट पर सर्च करके भी पता कर सकते हैं, और कोई भी मेरा भाई बहन पता कर सकता है। कहते हैं पीलीभीत के इस जिला कालागार कैंपस में गेट संख्या 2 के मिलाई गेट पर तैनात सिपाही को एक आत्मा दिखाई पड़ी थी, जिसके बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया था। उसकी एक छोटी सी फोटो भी मैं आपको भेज रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं कि यह फोटो बहुत ज़्यादा उस समय वायरल भी हुआ था। जिला कारागार में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया था। उस वक्त के डिप्टी जेलर राघवेंद्र ने सिपाहियों के साथ मौके पर जाकर काफ़ी देर तक निरीक्षण भी किया था, रात्रि की गश्त भी लगाई थी, और चौकन्ना करके वहां की सुरक्षा भी बढ़ा दी थी। पूरे मामले को लेकर जेल अधीक्षक संजय राय ने वायरल फोटो की बात को अपने हिसाब से टाली थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी कोई अधिकारी ऐसी बातों को तवज्जो नहीं देगा और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी बातों से लोगों का मनोबल टूट जाता है, और ख़ास तौर से जेल जैसे संस्थान में अगर ऐसा हो तो फिर बहुत ही ज़्यादा भयानक बात है। वह शुक्रवार की रात थी, करीब 12:30 बजे के दौरान जिला कारागार मिलाई गेट नंबर 2 पर तैनात सिपाही ने कथित तौर पर सामने की बेंच पर किसी परछाई के आकार में बैठी हुई आत्मा को देखा था, जिसकी फोटो ड्यूटी तैनात सिपाही ने मोबाइल से खींचकर अपने साथी सुरक्षा कर्मियों सहित जिला कारागार जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर को भी भेजा था, जिसके बाद बेंच पर बैठी आत्मा की फोटो वायरल हो गई थी और जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया था। फिर उस स्थान पर उस समय के राघवेंद्र नाम के डिप्टी जेलर, उन्होंने काफ़ी देर तक आत्मा को तलाश किया, पर आत्मा कहाँ मिलने वाली होती है। ऐसी बातें सबको दिखाई नहीं देती, केवल कुछ समय के लिए ही ऐसी आत्माएं नज़र आती हैं, और वह भी जब उनकी इच्छा हो। अगर उसकी मर्जी ना हो तो उसका कोई फ़ोटो भी नहीं खींच सकता, लेकिन अगर मर्जी हो तो वो अपना फ़ोटो और वीडियो तक बनवा सकती है। और यह बात इसलिए भी बहुत ज़्यादा उस वक्त चर्चे में आ गई थी, क्योंकि न सिर्फ उस पुराने जेलर की आत्मा वहाँ पर वास करती है, बल्कि पीलीभीत जिला कारागार में आए उस समय के 3 तत्कालीन जेल अधीक्षकों की अलग अलग कारणों से वहाँ पर मौत हो गई थी। इसके बाद जिला कारागार कैंपस में स्थित जेल अधीक्षक के बंगले में कई नए जेलर अधीक्षक ठहरने के लिए ही तैयार नहीं होते थे। इससे लोगों को अलग से फिर कैंपस दिया गया, यानी पुराने कैंपस में जेल अधीक्षकों को नहीं रखा गया। हालांकि उसी जेल अधीक्षक के पुराने निवास में कारागार में तैनात सिपाहियों ने रहना शुरू किया था, और वह रह रहे थे। शायद
इसीलिए उन्हें ऐसा कुछ नजर आया। इससे गुरुजी आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज भी आत्माएं अपने आप को प्रकट करती हैं, पर अपने आप को दुनिया को वह नहीं दिखाना चाहती, केवल वहां रहने वालों को ही सावधान कर देती हैं और अपना रूप दिखाती हैं। शायद वहां पर रहने वाली उस आत्मा ने अपने आप को दिखाया होगा। गुरुजी, यह तत्कालीन अखबारों की बहुत बड़ी न्यूज़ उस वक्त की बनी थी, इसलिए मैं उनके कुछ स्क्रीनशॉट आपको भेज रहा हूँ। वो फोटो भी जो वायरल हुआ था। गुरुजी, आपका इसके संबंध में क्या विचार है अवश्य ही बताइएगा। धन्यवाद गुरुजी। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने वहाँ पर मौजूद आत्मा के जो वायरल फोटो और वहाँ पे जो घटित हुई घटना जेलर की, इसके संबंध में बताया है। ऐसा एक स्थान नहीं है, ऐसे हजारों स्थान हैं जहाँ पर इस तरह की बहुत ही दुर्लभ घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन कोई इंसानी चीज़ तो है नहीं जो आपको बार बार नज़र आए। यह केवल जब बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं तब कहीं जाकर अपनी छवि कुछ क्षण के लिए किसी को दिखा देती हैं, अन्यथा यह कभी प्रकट नहीं होती हैं। तो यह था एक अनुभव जेलर की आत्मा का। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।